على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين الكرام، عشر اعتكاف میں سالہ سال سے روزانہ عصر کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن و حدیث کا، فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. گزشتہ روز ہم نے اعتکاف کے بارے میں احکام، مسائل اور فضائل سنے ہیں. آج ایک حدیث پاک جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نصیحتیں فرمائیں، یہ حدیث سیاہ ستہ حدیث کی چھ صحیح کتابوں میں سے سب سے افضل دو کتابیں جامع صحیح بخاری اور جامع صحیح مسلم میں موجود ہیں. حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا. حضرت معاذ، معاذ بن جبل، بہت معروف، مشہور اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بہت قریب رکھا. انہوں نے غزوات میں بھی شرکت کی اور تعاون کے مرض میں انتقال فرمایا، شہید ہوئے. حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا کا معنی یہ ہے کہ حکمران بنا کر بھیجا، یمن کا حاکم، جیسے گورنر ہوتا ہے کوئی، ایسے حاکم بنا کر اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا. فقال انک تأتی قوم اہل کتاب فادعهم الى شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہے، معاذ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو تو انہیں اس گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی نصیحت ہو گئی حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے معاذ، تم یمن جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب ہیں، اگرچہ وہاں مشرکین بھی تھے، اہل کتاب اور مشرکین میں فرق ہوتا ہے، اہل کتاب بھی کافر ہیں، مشرکین بھی کافر ہیں، لیکن اہل کتاب وہ ہیں جو کسی نبی کو تسلیم کرتے ہیں،
जैसे यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, यहूदी, जैसे ईसाई नसारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना नबी रसूल मानते हैं, तो ये अहले किताब है, हैं काफिर मगर अहले किताब है। अब इनके मुकाबले में जो मुशरिकीन होते हैं वो चूंकि किसी नबी के फॉलोअर नहीं हैं, नबी के पैरोकार नहीं हैं, वो या तो बुत परस्त हैं या बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई और हो सकते हैं, शिर्क वाले मुशरिकीन। तुम यमन में अहले किताब भी थे और मुशरिकीन भी थे, मगर चूंकि अहले किताब मुशरिकीन के मुकाबले में बेहतर होते हैं, क्योंकि मुशरिकीन तो वो हैं जो एक अल्लाह को नहीं मानते और अहले किताब वो हैं कि उनमें मुवहिद भी हुए हैं कि एक अल्लाह के मानने वाले और वो किसी रसूल को मानते हैं, इसलिए वो मुशरिकीन के मुकाबले में बेहतर होते हैं। तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किताब का ज़िक्र किया, क्या ये मास तुम अहले किताब कौम के पास जा रहे हो, फदअहुम तो उन्हें दावत देना, इस्लाम दीन दावत है, दीन जबर नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी गैर मुस्लिम को डंडे के ज़ोर पर मुसलमान बनाए, इसकी इजाज़त नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह ने फरमाया क़ुरान में, जिसकी तफसीर ये है कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर दीन में क्या है, दीन में दावत है कि आप किसी को अल्लाह के दीन की तरफ अखलाकियात के तौर पर मोहब्बत से प्यार से बुलाओ, हिकमत अमली से दीन इस्लाम की दावत दो, ना उन्हें डांट कर दीन में दाखिल होने का हुक्म दो, ना उन्हें मार कर इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दो, इसकी इजाज़त नहीं। तो इस्लाम क्या है, दीन दावत, तबलीग, दीन तबलीग, हर मुसलमान अपने अपने अंदाज से किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ रागिब करने का हक भी रखता है और उस पर ये ज़रूरी है कि कोशिश करे, इस्लाम की अज़मत को उसके सामने बुलंद करे, वाज़ह करे, ताकि गैर मुस्लिम मुतासिर हो कि इस्लाम बड़ा अजीम दीन है, अपने किरदार से गैर मुस्लिम के सामने ऐसा अमल करे कि वो देख कर मुतासिर, यानी गैर मुस्लिम भी देखे तो कहे सुभान अल्लाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम कितना अच्छा होगा। तो आम तौर पर जब मुसलमान अपने आप को बेशर्म या बेगैरत किसी के सामने जाहिर करते हैं, धोखाबाज, तो फिर क्या होता है कि गैर मुस्लिम काफिर बजाय उसका अच्छा असर कबूल करने के बुरा असर ले लेता है, वो कहता है भाई ये तो पता नहीं कैसा दीन है, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, इनकी हालत देखो आप, तो वो कैसे मुसलमान होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फदअहुम, उन्हें दावत देना अहले किताब को, यानि मारना नहीं, उन पर जबर नहीं करना, उनको दावत देना, हो सकता है तुम्हारी दावत उनके दिल पर असर कर जाए, नसीब तो उनका अपना है, बंदा तो वो काम करे जिसको जिसके करने का उसको हुक्म और जिसकी इजाज़त उसको दी गई, बस।
बाकी अल्लाह पर है। क्या दावत देना? हुजूर ने फरमाया फदउहुम इला शहादती, उनको इस गवाही की दावत देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वअन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। यानी उनको ये गवाही की तरफ तवज्जो दिलाना ताकि अगर अल्लाह ने उनके नसीब में किया होगा तो इस्लाम पर आ जाएंगे। जो लोग मुशरिकीन हैं उनको तो ये कहने की बहुत ज़रूरत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, क्योंकि वो एक अल्लाह को नहीं मानते, बहुत सारे बुत उनके यहाँ हैं, हर बुतों की अपनी अपनी खसूसियत उन्होंने बनाई हुई है, किसी को भगवान, किसी को रोज़ी का बुत, किसी को औलाद का, किसी को किसी चीज़ का, किसी को दौलत का, कोई लक्ष्मी है, कोई क्या है, कोई क्या है, तो वो एक अल्लाह के तो है ही नहीं मानने वाले, वो तो मुशरिक हैं। तो उनको तो तौहीद की दावत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अशहदु अल्ला इला इल्लल्लाह उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो के जो अहले किताब हैं उनको अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बहुत ज़रूरत है, क्यों कि वो कहते हैं हम अहले किताब हैं। कोई कह रहा है हम मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, कोई कह रहा है हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मगर उनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने जब मुहम्मद रसूलुल्लाह को भेज दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, आखिरी रसूल बनाकर भेजा, तो हर एक के लिए फ़र्ज़ कर दिया कि अब वो मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए, ना वो ईसाई रहे ना वो यहूदी रहे, वो मुसलमान हो जाए, इस्लाम लाए, मोहम्मद को अपना नबी माने, रसूल माने। तो जो अहले किताब हैं उनको ये जो कलमा है, कलमे तैयबा में भी है ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कलमे शहादत में है अशहदु अल्ला इला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अहले किताब को कलमे के दूसरे हिस्से की ज़रूरत है कि उन्हें ये बताओ कि तुम पर लाजिम है कि तुम मोहम्मद के फॉलोअर बनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले बनो, कलमे पर ईमान रखो, ये ज़रूरी है। तो पहली नसीहत तो ये हुजूर ने की, क्या है मास तुम यमन जा रहे हो हाकिम बनकर, हुक्मरान बनकर, तो वहाँ पर लोगों को पहले तो ये दावत देना। दूसरी क्या है, उसके साथ ही फरमाया फ़ैनहुम अताउ लिज़ालिका फ़अलिमहुम, अगर वो इसमें फर्माबरदारी कर लें, यानी पहली नसीहत को तुम्हारी मान लें कि अच्छा ठीक है हम कलमा पढ़ते हैं, हम ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी ज़बान से नीयत के साथ कहते हैं कि हमने इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, तो हुज़ूर फरमा रहे अब क्या करना, फ़ालिमहुम, अब उन्हें बताना, अब उन्हें तालीम देना। क्या तालीम देना, अन्नल्लाह क़द फ़र्द अलैहिम ख़म्स सलातिन फ़िल यौमी वल लैलती। हुज़ूर ने फरमाया मास अब उनको ये तालीम देना कि अल्लाह ने तुम पर दिन और रात में पांच नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं, यानी तुमने ईमान का तो इकरार कर लिया
लेकिन ईमान के साथ अमल भी तो है। अगर कोई सिर्फ ईमान ले आए अमल ना करे तो उसने तो एक चीज़ को माना, दूसरी चीज़ को नहीं माना। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना, ये तो है, मगर आमाल भी तो हैं दीन इस्लाम में। फ़राइज़ आमाल भी हैं, वाजिब भी हैं, सुन्नतें भी हैं, नवाफिल भी हैं, ये सब आमाल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया हज़रत मुआज़ से कि जब वो कलमे पर आ जाएं, तुम्हारी बात मान लें, मुसलमान बन जाएं, अब आप उनको बताना कि तुम पर अल्लाह ने रात दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की, कि अगर तुम ज़्यादा नहीं पढ़ते हो तो 5 नमाज़ें तो हैं ही, वो तो पढ़ना ही पढ़ना होंगी। नमाज तो ना बीमारी में माफ़ है, ना सफ़र में माफ़ है, ना हज़र में माफ़ है, यानी सफ़र में भी नमाज बिल्कुल माफ़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ो, कसर जिसको कहते हैं, बीमारी में भी माफ़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है तुम खड़े होकर नहीं पढ़ सक रहे हो, बैठकर पढ़ लो, नीचे बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, ये भी नहीं कर सकते तो फिर लेट कर पढ़ो। लेकिन जब तक तुम्हें होश है तुम्हें नमाज पढ़नी है, नमाज माफ़ नहीं है, और तुम्हारी जगह कोई और नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए तुम्हें खुद नमाज पढ़नी है अपनी, फ़र्ज़ आइन है। तो उनको क्या बताना, दिन और रात में अल्लाह ने 5 वक्त तुम पर नमाज फ़र्ज़ की है, ताकि उनको पता चले कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से सारा काम नहीं बनेगा, अमल भी करना होगा। सिर्फ ईमान लाने से हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाएगा ज़िंदगी का मकसद हयात, बल्कि हमें आमाल भी करने होंगे, और आमाल में पहला अमल जो है वो नमाज है। यही वो अमल है जो रोज़ाना फ़र्ज़ है, यही वो अमल है जिसकी क़यामत में सबसे पहले पूछ होगी। रोज़े क़यामत में अल्लाह के हुकूक में से सबसे पहले हर मर्द और हर औरत मुसलमान से नमाज के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने नमाज़ें पूरी की या क़ज़ा की, और जो क़ज़ा थी उनको फिर अदा किया या रह गई, इसका सवाल होगा। रोज़ महशर के जाँ गुदाज बवद अव्वली पुरसिशे नमाज बवत, फारसी ज़बान का शेर है किसी का, कि रोज़ महशर हशर का दिन जानलेवा दिन होगा, परेशानी का दिन होगा, खफराहट घबराहट खौफ, उसमें सबसे पहले जिस इबादत के बारे में जिस अमल के बारे में पूछा जाएगा वो सलात नमाज। फ़ैन हम अताऊ लिजाली का हुज़ूर फरमा रहे हैं, अगर वो मान जाएं इताअत कर लें इसकी भी, कि अच्छा कलमा पढ़ने के बाद नमाज भी पढ़नी होगी, चलो ठीक है पढ़ेंगे। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीसरी नसीहत करना उनको, दूसरी तो हो गई ना नमाज की, तीसरी क्या करना, फ़ालिमुहुम, अब उनको ये इल्म देना ये तालीम देना, अन्नल्लाहा कद फ़र्द अलैहिम सदक़तन तुख़ज़ु मिन अग्नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़क़राइहिम। तीसरी नसीहत क्या करना उनको, तीसरी नसीहत हिदायत के अल्लाह ने तुम पर ज़कात फ़र्ज़ की, जो उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके फ़कीरों पर दी जाएगी। तीसरी नसीहत, पहली कलमा, दूसरी नमाज, और तीसरी ज़कात, कि उनको ये बताना कि तुम्हारे माल में
अल्लाह ने हक रखा हुआ है गरीबों का, फकीरों का, मिस्कीनों का, कर्जदारों का, और अल्लाह के रास्ते में जो फंसे हुए हैं दीन के रास्ते में, उनका, मुजाहिदीन का, मुसाफिरों का, आठ मदात हैं जो अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में बयान फरमाई कि ज़कात के मसारिफ ये हैं कि तुम्हारी ज़कात उम्मत के मालदारों से वसूल करना होगी, उनको इस तरफ लगाना होगा कि ज़कात निकाला करें, माल तो तुम्हें दिया अल्लाह ने, तुमने सारा साल माल को जमा किया, अब अगर साल गुज़र गया और इतना माल मौजूद है कि 52.5 तोला चांदी की मकदार या 7.5 तोला सोने की मकदार या 52.5 तोला चांदी के बराबर की रकम जिसको साल हो गया है तुम्हारे पास, उस पर ज़कात निकालो, हिसाब करो उसका, टोटल करो, कैलकुलेट करो और ज़कात दो। और किस तरह दो कि मालदारों से ली जाएगी और फ़कीरों को दी जाएगी और उन्हीं के मालदारों से, यानी मुसलमान मालदारों से ली जाएगी, काफिरों पर कोई ज़कात नहीं है और काफिरों को ज़कात दी भी नहीं जाएगी, ज़कात सिर्फ मुसलमान से ली जाती है और मुसलमान ही को दी जाती है, गैर मुस्लिम को आप अपनी ज़कात नहीं दे सकते। कोई नफली सदका दे सकते हैं, खैरात दे सकते हैं कोई गैर मुस्लिम मोहताज को, मगर ज़कात ये सिर्फ मुसलमान को दी जाती है और मुसलमान से ली जाती है। ज़कात का मालिक बनाया जाता है किसी हकदार को, ज़कात के मुस्तहिक को, और उसको मालिक बनाकर अब उस पर छोड़ दिया जाता है, वो जहाँ चाहे जिस तरह चाहे खर्च कर ले। तो तीसरी नसीहत तो ये हो गई, फ़ैन हम आताऊ बिज़ाली का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो अगर ये भी मान जाए, वो कहें कि अच्छा कलमा भी पढ़ना था पढ़ लिया, तुमने कहा नमाज भी पढ़ना है, नमाज को भी मान लिया हमने, अब तुमने कहा ज़कात भी देना है तो ज़कात भी मान ली हमने, अब उनको ये तालीम दो, फ़ैयाक व करायमा अमवालिहिम वत्तकी दावत अलमज़लूमी, हुज़ूर ने फरमाया अगर ये भी मान लें तो उनके बेहतरीन मालों से बचना। ये चौथी नसीहत है कि जो जानवर वगैरह होते हैं ना उनमें भी ज़कात होती है, मवेशियों में ऊँट की ज़कात, गाय की ज़कात, बकरियों की ज़कात, उन पर भी ज़कात निकलती है, अगर कोई मालिक है जानवरों का तो उस पर ज़कात निकलती है, उसकी साल भर में जितने जानवर उनके पास हैं पूरा होने पर, साल पूरा होने पर उस पर ज़कात हो जाती है। अब वो जो वसूल करने वाले थे उनके लिए ऐसा हुक्म आया कि जिनके माल तुम लोगे ज़कात में उनके बेहतरीन मालों से बचना, मोतदिल माल लेना, यानी ऐसा ना करना कि बहुत आला किस्म के माल ज़कात में तुम ले लो तो ये उनका नुकसान होगा, बल्कि उनके वो माल ले लेना कि जो एतदाल वाले हों, दरमियाने किस्म के हों, वो लेना। अलबत्ता अगर कोई मालिक अपनी खुशी से बेहतरीन माल दे दे ज़कात में तो लिया जा सकता है, जैसे कोई खैरात करता है अपनी खुशी से जितना करता है कर लेता है, कोई रोक नहीं है। ज़कात तो एक बाकायदा शरा के मुताबिक दी जाएगी, उससे कम नहीं दी जा सकती। अब पांचवी नसीहत, बहुत बड़ी अहम नसीहत की हज़रत मुआज़ बिन जबल को, क्या की, वत्तकी दावतल मज़लूमी
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. ہاں فرمایا ستم زدہ کی بدعا سے ڈرنا, کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوم کی آہ مشہور ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو, ظالم کو خوف دلایا جاتا ہے کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو, اللہ سے ڈرو, یہ مظلوم ہے, یہ ستم زدہ ہے, ستم رسیدہ ہے, اس کی دل شکنی ہوگی اور اس پر تم ظلم کرو گے, اور اگر اس نے دل سے آہ نکال لی, بد دعا دے دی, تو روک کوئی نہیں اللہ کے اور اس کے درمیان. یعنی مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے, حجاب نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ, اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. ڈائریکٹ مظلوم کی بدعا اللہ کے پاس پہنچتی ہے, اور مظلوم کی بدعا کا بہت برا اثر ہو سکتا ہے ظالم پر, ہو سکتا ہے فوراً نہ ہو, ہو سکتا ہے کہ دنیا میں نہ ہو, لیکن اگر دنیا میں ہو ابھی نہ ہو, بعد میں کسی وقت ہو جائے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے, یا اگر دنیا میں کوئی ایسا نہ ہوا تو آخرت میں تو ضرور ہوگا. آخرت میں اللہ مظلوم کا بدلہ ظالم سے دلوائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جانوروں کا بھی جانوروں سے بدلہ دلایا جائے گا, انسانوں کا انسانوں سے بدلہ دلوایا جائے گا, یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو اپنا سینگ مارا ہوگا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائے گا کہ اب تو بھی مار, اپنا بدلہ لے لے, اس نے دنیا میں تجھے سینگ مارا تھا اور تیرے پاس سینگ نہیں تھے تو 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 بدلہ نہیں لے سکتی تھی, اے بکری اب تجھے سینگ دیے جاتے ہیں, تو اپنا بدلہ لے لے. ایسے ہی انسانوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا. اگر مظلوم نے دنیا میں ظالم کے ظلم پر کچھ نہ کر سکا, مظلوم آہ کر کے رہ گیا, بدعا اس کے ذہن سے نکل گئی, اس کی زبان سے بس, اور کچھ نہیں کر سکا وہ, تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بدلہ دلوائے گا. تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد سننے پر بالکل تیار ہے اور کوئی آڑ نہیں ہے مظلوم اور اللہ کے بیچ میں. تو اب آپ نے یہ حدیث پاک جو سنی آج کے درس میں, اس میں یہ موضوع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ نصیحتیں کن کو کی حضور نے؟ حضرت معاذ بن جبل کو, صحابی کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے, کہ یہ پانچ دعوتیں, پانچ نصیحتیں رکھ لو اپنے پاس, جب تم وہاں پہنچو تو ان کو یہ نصیحتیں کرنا, یہ باتیں بتانا, یہ دعوتیں دینا. اللہ تعالیٰ آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی علی وصحبہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما, جو حدیث پاک پیش کی گئی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کو نظر فرما, صحابہ کرام اہل بیت اعظم تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما, حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما, مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا, ہمارے والدین عزیز و اقارب کی ارواح کو ثواب پہنچا,
آمین. بےروزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو شفا عطا کر، بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کو نیک جوڑے نیک رشتے عطا کر، آنے جانے والوں کو حفظ امان میں رکھ. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.